क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है जो अपने गेम और हेल्थ के मामले में बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था और उसने अपनी टेबल पर दो कोका कोला की बोतल रखी देखी तो उसने दो कोका कोला की बोतल्स को हटाते हुए पानी को ज्यादा अहमियत दी। लेकिन आपको पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के टेबल से दो कोका कोला हटाने का खर्चा कंपनी को कितना भरना पड़ा? कंपनी को भरना पड़ा 29,000 करोड़ का। जी हाँ, पुर्तगाल का ये खिलाड़ी जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, वो कभी भी कोल्ड ड्रिंक का प्रमोशन नहीं करता है। उसने अपनी टेबल पर कोका कोला रखी देखी तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो भड़क गया और कोका कोला को हटा दिया और अपने करोड़ों फैंस को पानी पीने का मैसेज दिया। इस चीज से मार्केट में कोका कोला के शेयर में 1.5% की तुरंत गिरावट हुई और कंपनी की वैल्यूएशन 29,000 करोड़ से कम हो गई। दोस्तों, क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने फैंस को सही मैसेज दिया या गलत? कमेंट में जरूर बताइएगा।